देश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जहां हर पार्टियां कमर कस रही हैं, तो वहीं पर हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी के दारुल शफा में खड़े हुए हैं, जहां पर हमारे साथ में प्रदेश महासचिव सीएल पटेल हैं। अपना दल कमेरावादी पार्टी से उनसे जानेंगे कि आखिरकार जो आज बैठक की गई है, क्या उद्देश्य था, क्या मुख्य एजेंडे थे आज बैठक के, बताइए। ऐसा है कि हमारे अपना दल कमेरावादी की एक मासिक बैठक है, लेकिन ये बैठक विशेष रूप से 2024 लोकसभा के चुनाव को मद्देनज़र रखी गई थी, और इसमें जो है बूथ से लेकर के प्रदेश तक कमेटियों को मतलब मजबूत बनाने के लिए मतलब हम लोगों को प्रशिक्षित किया गया। अच्छा, हाँ, तो आज बैठक में किन लोगों ने भागीदारी दी गई और क्या क्या यानी कि यहाँ पर योजनाएँ बनाई गई चुनाव के लिए? यहाँ पर योजनाएँ बनाई गई कि जो हमारा इंडिया गठबंधन है ना, हम अपने बूथ से लेकर प्रदेश स्तर की कमेटी को इतना मजबूत बना दें कि हम गठबंधन में मतलब अगर हमसे मांगा जाए कि आपके पास क्या है गठबंधन, तो हम उसको प्रेम से दे सकें। तो जिससे हम लोग कहीं ना कहीं घोषी उपचुनाव को लेकर के इंडिया कार्यकर्ताओं में एक जोश की लहर है अभी भी? नहीं, जोश तो है ही है, जोश तो बहुत ज़बरदस्त है, घोषी उपचुनाव को लेकर के बहुत ज़बरदस्त है, ऐसी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम जो हैं अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ता भी हैं, जो पूरे जोश और खरोश के साथ में राजधानी के तमाम जिलों से आए हुए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या आज की बैठक में उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए जो अहम निर्णय लिया, क्या क्या नाम है? अरुण पटेल, जिला अध्यक्ष, अपना दल कमेरावादी, प्रयागराज। अच्छा, तो आज ये जो बैठक हुई उसका क्या आपको असर पड़ा आज कार्यकर्ताओं पर? इसका जो बैठक हुआ, जो हम लोगों की मासिक बैठक प्रदेश की बैठक थी, इसमें हम लोगों को जो निर्देश दिया गया जो है संगठन को लेकर के मजबूती के लिए। अच्छा जी, यानी कि जमीनी स्तर पर जाएं, आम जनता से मिलें, उनको हर इंडिया गठबंधन की योजनाओं के बारे में बताएं कि आखिरकार जीतती है तो क्या चीज़ें रहेंगी। तो इस बार उम्मीद लग रही है पूरी ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं होने देंगे? नहीं, बिल्कुल हम लोग मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, हम ऐसा होने नहीं देंगे जहाँ तक हो सकेगा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जब तक ईवीएम हिंदुस्तान से हटेगी नहीं, कोर्ट का जबरदस्त निर्णय आएगा नहीं, धरातल अर्थ से सारे हिंदुस्तान की जनता मजबूत नहीं होगी। ये सच है कि मोदी का चारों तरफ का खेला जो शुरू हो गया है देश में, हर जनता को आभास हो गया है, क्योंकि महंगाई इतनी चरम स्तर पर हो गई है कि एक छोटा सा सामान जो दलिया है, अरहर की दाल, वो 40% महंगी हो गई है। एक छोटा सा होता है जीरा, जो 100 रुपये किलो रहता था, वो 900 रुपये किलो हो गया है। अगर कोई भी व्यक्ति कहीं कोई सामान खरीदने जाता है तो महंगाई इस चरम स्तर पे आ गई है। लोगों को लुभाने के लिए, लोगों का वोट खरीदने के लिए गैस पे इन्होंने 100-200 रुपये कम कर दिया है। चारों तरफ जो कम कर रहे हैं, इसके बाद इतनी चरम स्तर पर महंगाई आएगी कि हिंदुस्तान की जनता तरह तरह के, अगर इंडिया गठबंधन से मोदी नहीं हटेंगे, देश का सत्यानाश हो जाएगा। चारों तरफ इतने युवक हैं, इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, इनके लिए कोई रोजगार नहीं है। हर जगह सारी नौकरियों को समस्त करके निजीकरण कर दे रहे हैं। आज त्राय त्राय मची हुई है। मान्यवर, अभी मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ, जनरल मैनेजर के पद से सहकारिता विभाग में ही मैं पोस्ट था, तो मैंने देखा है कि मोदी का शासनकाल जो नहीं है, इतना खराब शासनकाल शायद अंग्रेजों का भी नहीं था। मोदी दिन भर जो कुछ कहते हैं उनमें सत्य का एक अंश नहीं रहता है। सत्य का एक अंश नहीं रहता है। आज गरीब जनता त्राय त्राय कर रही है। एक छोटा सा अगर डीएल बनवाने जाएंगे, जहां 500 में होता था, जो आरटीओ ऑफिस का दलाल बनवाता था, वहां 5,000 रुपये लग रहे हैं किसी भी चीज में। यानी कि आपका कहने का मतलब है मोदी योगी सरकार में भ्रष्टाचार चरम स्तर पे है। कहीं कोई, अच्छा हत्याएं सुनिए, हत्याएं इतनी हो रही हैं, बलात्कार इतने हो रहे हैं, कितने बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं। हिंदू मुस्लिम का दंगा अभी सुल्तानपुर में, हमारा जिला है, डॉक्टर की हत्या हुई है। तो जब डॉक्टर की हत्या, हर जगह बुलडोजर चला रहे हैं, तो जो अपराधी थे वहाँ आपने क्यों बुलडोजर नहीं चलाया? तो कुछ जातिवादी भावनाएं भी उनमें ग्रसित हो चुकी है। अभी आपके देवरिया कांड जो हुआ है, वहाँ देवरिया में आपका जिला प्रशासन इतना भ्रष्ट हो चुका है, रेवेन्यू विभाग इतना भ्रष्ट हो चुका है। जब जानते थे कि प्रेमचंद ने जमीन जबरदस्ती खरीद ली है
और जब जानते थे वो जमीन जो नहीं प्रेमचंद सदस्य जिला पंचायत थे, गुंडागर्दी चल रही है तो उस पर कुछ प्रतिबंध शासन को प्रशासन को करना चाहिए। 10 साल से तो नहीं, तब प्रशासन जो नहीं है चौकस हुआ है, कूद रहा है वहाँ। तो ऐसी हत्याएं जब हो जाने के बाद कूदने से क्या फ़ायदा होगा। आज जगह जगह मोर्चे पर हिंदुस्तान की सरकार फेल है। ठीक है सर, तो आज और जी क्या नाम है? मेरा नाम आरव रमा, रिटायर्ड जिला प्रबंधक, और मेरी अपनी एक अपनी पार्टी चल रही है, अभी मैं ज्वाइन किया हूँ, राष्ट्रीय आदर्श पिछड़ा दलित समाज पार्टी, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और कहियो तो मैं दिन भर उनके जो नहीं है जितनी सारी चीज़ें हैं, इतने पॉइंट तो आप हताश हो जाएंगे, आप कह देंगे वो सत्यवाद्या। उसके दिन लिए कोई दिन और सुनिश्चित करेंगे। हाँ, तो जानेंगे और लोग जो आए हुए हैं बैठक में, उनसे जानेंगे क्या उद्देश्य था, किस तरह की चर्चाएं आज हुई। देखिए, बैठक जो हुई थी, ये तो लोकसभा चुनाव जैसे आप जान रहे हैं इंडिया गठबंधन में हम लोग गठबंधन के साथी हैं, चुनाव लड़ा जा रहा है तो सारे दल अपनी तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। हम लोग भी जायजा ही लेने आए थे और समीक्षा बैठक थी एक तरह से। तो जहाँ जहाँ हमें चुनाव लड़ना है, जहाँ सीट मिलेगी, इसके अलावा जहाँ हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि मदद कर सकते हैं अपने गठबंधन की, उसको लेकर के बैठक हुई थी। और जो 2014 में जब चुनाव लड़ा गया था तो मुद्दे क्या थे? भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, कालाधन। आज की डेट में 10 साल बाद भी चुनाव उसी मुद्दे पर हो रहा है। महंगाई वही है और बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, काला धन का कोई अता पता नहीं, कितना लाए हैं, कितना ले गए हैं, कोई लिस्ट इनके पास नहीं जिसको ये सार्वजनिक कर सकें। तो 10 सालों में आपने दिया क्या है? उल्टा जो हम लोगों के पास था, नौकरी चाकरी रोजगार था, वो सब लिया छीन। नौजवानों से कह रहे हैं आओ कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करो, आर्मी में भी नौकरी करो, कॉन्ट्रैक्ट पर करो। अब बताइए 3-4 साल नौकरी करने के बाद आदमी क्या कहेगा? उसको कह रहे हैं पैसा देंगे, 10-15 लाख में क्या धंधा कर लेगा? उसकी पूरी ज़िंदगी कम से कम 15 साल तो नौकरी के न्यूनतम होने ही चाहिए थे। तो नौजवान भी परेशान है, बेरोजगारी चरम पे हो गई है। इन सब मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन सड़क पे उतरेगा। और चुनाव में जो 2024 का, और अभी आपने ईवीएम का जिक्र किया था, देखिए ईवीएम में धांधली एक अलग चीज़ है और ईवीएम बदलना दूसरी चीज़ है। मेरा यह मत है कहीं ना कहीं ईवीएम में धांधली भले ना होती हो लेकिन ईवीएम को बदला जरूर जा सकता है। अगर सेम नंबर की कोई ईवीएम रही हो, सबके सामने सील और उसी दूसरे नंबर का मिलता जुलता अगर रख दिया जाए सेम नंबर, तो कैसे पता चलेगा कौन सी है? बदली जरूर जा सकती है, जैसे बैलेट बॉक्स है, चुनाव संपन्न हो ईमानदारी से, लेकिन बैलेट पूरा बदल दिया जाए तो बैलेट और ईवीएम में फर्क क्या है? कोई ऐसी डिवाइस तो है नहीं जो बदलने से रोकेगी। तो अब जैसे कि ये मान के चलिए कि हर पार्टी जब सरकार में आ जाती है चुनाव से पहले वादे करती है, तो इंडिया गठबंधन तो कहीं मुकरने वाला नहीं है आप लोगों का? देखिए, अभी इस पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा तो जाहिर है जितने मुद्दे हम लोग उठा रहे हैं उसमें बेरोजगारी अहम है, उसमें भ्रष्टाचार भी है, और जितने सारे मुद्दे हैं युवाओं के हैं, किसानों के हैं। अभी MSP को लेकर कितना बड़ा आंदोलन हुआ, तो हम लोग तो ये भी चाहेंगे, हम लोग कमेरा वर्ग से हैं, किसानी से आते हैं, तो MSP तो दिया जाना चाहिए। हर चीज़ का MRP है तो MSP भी होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर इंडिया गठबंधन जाएगा चुनाव में और जीतेंगे, जहाँ जीतेंगे वहाँ पर इसको हम पूरा भी करेंगे। मेरा नाम अजय शंकर यादव, बाराबंकी से अपनी टीम के साथ आज अपना दल कमेरा में जुड़ा हूँ। तो वहीं पर हमारे साथ में कई दिग्गज नेता भी उत्तर प्रदेश से आए हुए थे, जो आज जिन्होंने यहाँ पर अपना दल कमेरावादी पार्टी को ज्वाइन किया है, जिसके चलते इंडिया गठबंधन को भरपूर पूर्ण बहुमत की सरकार में लाने के लिए और मोदी सरकार को हटाने के लिए आज जो बैठक हुई थी उसके बारे में हमने जाना प्रदेश महासचिव CL पटेल से कि आखिरकार क्या उद्देश्य था उत्तर प्रदेश की राजधानी में जो इतनी बड़ी बैठक हुई थी जिसके अंदर हज़ारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़, सहयोगी प्रदीप के साथ मैं लखनऊ से अमित कश्यप इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।